हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार, और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल के नमेरिकल सीरीज का ये तीसरा वीडियो करने वाले हैं। दोस्तों इसको लेकर के हम लोग चार वीडियो दोस्तों अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो दोस्तों पुष्प की संरचना पर रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड किया था, और दोस्तों पुष्प की संरचना से रिलेटेड प्रश्न हर साल जो है कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर उसको आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा। और बाकी सब नमेरिकल सीरीज की 10-10 प्रश्नों की अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाकर के आप विजिट कर लीजिए, या आप मेन चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्रकाश का परिवर्तन या एक जो है कि अलग से नमेरिकल सीरीज का होगा उसमें जाकर के आप ढूंढ करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं ये नमेरिकल सीरीज का तीसरा वीडियो है, और इसमें भी दोस्तों हम लोग प्रकाश से संबंधित और विद्युत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जितने सारे इसमें प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और बार बार जो है कि यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपके दोस्त हैं तो उस दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों उनके लिए भी क्या फायदा हो सके। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं, इस वीडियो को देखिए, ये सारे प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज का ये पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में दोस्तों तीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, फिर ख वाला पूछ रहा है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका स्टेप होना चाहिए, जो प्रश्न हो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें, और उसमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिखा जाता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सेक्शन वन। तो यहाँ पहला हम लोग हल करेंगे क। क में कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कह रहा है दोस्तों वस्तु स्थित है कितना, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यू बराबर कितना, -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, और प्रतिबिंब भी कहां बनता है दोस्तों, वस्तु पर ही बनता है, और दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो हम लोग भी बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। अगर दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण है, और जब अवतल दर्पण हम लोग दोस्तों करते हैं जब वस्तु के ही ऊपर जब प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग देखते हैं जब केंद्र पे रखते हैं वक्रता केंद्र पे, तो वहीं वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए प्रतिबिंब भी हम लोग 30 सेंटीमीटर लेंगे, और दर्पण के इस साइड बनता है तो इसको हम लोग माइनस लेंगे, क्योंकि वास्तविक बनता है तो माइनस। अब कह रहा है दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी को यफ से लिखते हैं, यफ को दोस्तों हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दर्पण का दिया है किस लेंस दिया है, तो यहाँ अवतल दर्पण है, तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में आनी चाहिए, और दर्पण का सूत्र लगेगा, तो यहां पे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। अब इसमें दोस्तों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, चलिए वैल्यू को रख देते हैं, एफ के जगह पे दोस्तों हमको निकालना है भी की वैल्यू कितना है, -30 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -30, तो नीचे -30 रख देते हैं। अब इसको दोस्तों आगे हल करेंगे इधर, तो ये 1/f बराबर 1/-30, ठीक है, ये देखिए माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर -1/30। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 होगा, और ये एलसीएम लेना सभी को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 30 से 30 एक बार में कट जाएगा, फिर यहाँ भी देखेंगे 30 से 30 एक बार में, तो यहाँ पे 1/f की जो वैल्यू आएगी दोस्तों -2/3 30, ठीक है, उसके बाद इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, त्रिक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2f = 30, तो f बराबर हो जाएगा दोस्तों 30/-2, इधर f के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 30 = 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका जो आंसर आ गया
वो फोकस दूरी कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। और माइनस आ गया दोस्तों तो हमको पता चल गया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अर्थात हमारा लगाया हुआ प्रश्न क्या सही है। तो इस तरह जो है कि आप स्टेप फॉलो करके इस तरह जो है कि आप अपना एग्जाम में लगाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और प्लस माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितने लोग हैं अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं और जो है कि आपका पूरा लगाया हुआ सवाल पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्लस माइनस का ध्यान दें, उसके बाद जो है कि फार्मूले में रख करके कैसे लगाया जाता है उसको स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा स्टेप पूछ रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है दोस्तों कितना, 40 सेंटीमीटर का, तो उसकी फोकस दूरी कितनी है 40, तो एफ बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको लिखते हैं -40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फोकस दूरी है इसकी। अब हम लोग जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, और आर का वैल्यू दिया है आपको, पूछना है यानी निकाल रहा है, निकालना है आपको आर की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं एफ और आर में क्या संबंध होता है, तो वो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये रिलेशन हमको पता है। अब इसी रिलेशन पे इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। अब इसमें दोस्तों एफ की जो वैल्यू है इसको यहां पे हम रख देते हैं, यहां एफ की वैल्यू कितनी है 40 और आर की वैल्यू निकालनी है अब बटे 2। यहां पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 × 2 और आर की वैल्यू कितनी 40 × 80 सेंटीमीटर। यहाँ वक्रता त्रिज्या है दोस्तों तो इसको हम लोग प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ सिंबल का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आर यानी वक्रता त्रिज्या कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों इसका दुगुना जो है कि वक्रता त्रिज्या हो जाती है। अगर वही तुमको वक्रता त्रिज्या आपको दिया हो, फोकस दूरी पूछे, तो सीधे इसका आधा कर दिया जाता है और इस तरह से जो है कि सवाल को लगाएंगे। अगला जो है कि प्रश्न इसी में से और पूछ रहा है एक प्रश्न दोस्तों कि वाहनों में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए दर्पण हम लोग दो प्रयोग करते हैं, ये ख वाला था और ये ग वाला है। पूछ रहा है कि हम लोग जो गाड़ी होती है, गाड़ी में हम लोग साइड देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इस तरह भी पूछता है सवाल। चाहे कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों दो दर्पण हम लोग पढ़े हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो जब हमारे पास क्या होता था, अवतल दर्पण हुआ करता है, तो उसमें हम लोग जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलते जाते हैं प्रतिबिंब की भी स्थिति बदलती जाती है, और उसमें अधिकतम 5 स्थिति में कैसा चित्र बनता है, उल्टा चित्र बनता है। तो अच्छा मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूं और बाइक पीछे मेरा जो मिरर है उसमें मैं अवतल दर्पण लगा देता हूं, तो अनंत पे अगर वस्तु दूर ज्यादा दूर स्थित है तो इतनी छोटी सी उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जैसे ही वो बस गाड़ी हमारे गाड़ी के नजदीक आती जाएगी तो उसका और प्रतिबिंब उल्टा और कभी छोटा और कभी बड़ा बनता जाएगा, और वो भी उल्टा बनता जाएगा। तो बताइए हम लोग सटीक जो है कि गाड़ियों को देख नहीं पाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस हो जाएंगे। और जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग छोटे से मिरर में दूर तक के गाड़ियों को हम छोटा रूप में देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा आभासी और सीधा बनता है, इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि दोस्तों उत्तल दर्पण से दूर की सारी जो है कि गाड़ियां या वस्तुएं आसानी से इसमें दिख जाती हैं, इसीलिए जो है कि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला प्रश्न। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या दोस्तों मैं ये क्या करूंगा, मेरा जो है कि व्हाट्सएप जो लिंक है
उसमें मैं डाल दूंगा, और ये व्हाट्सएप पे पूरा क्वेश्चन जो 30 नंबर 30 के जो क्वेश्चन होंगे, 30 या 31 प्रश्न है ठीक है, वो सारे 30 से 31 प्रश्न आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे ब्लैंक रूप में। आप उसे निकलवा करके जेरोक्स करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, या अपने कापी पे लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। इसमें वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, और इसमें जो दोस्तों जो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे हल, उसके बाद देखेंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, यानी एफ बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है दोस्तों, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बोलिए, प्लस होती है कि माइनस, क्या होती है माइनस होती है, तो यहां पे हम लोग माइनस कर लेंगे। फिर कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता। अच्छा देखिए प्रतिबिंब भी कितना बन रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और देखिए जो अवतल लेंस होता है दोस्तों उसमें प्रतिबिंब हमेशा किधर बनते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ बनते हैं, और बाएं तरफ की दूरी हम लोग माइनस में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे किरण भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अभी हम लोग चित्र बनाएंगे तो देखेंगे, हम लोग जब कार्तीय चिन्ह पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या जो फोकस होता है हमारा, सॉरी जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है उसके बाएं तरफ की दूरियां माइनस में, दाएं तरफ की दूरियां पॉजिटिव में ठीक है, और ऊपर की दूरियां पॉजिटिव में, नीचे की दूरियां क्या निगेटिव में नापी जाती हैं। तो इसीलिए इसको बी बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब कह रहा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यू बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, और यू की मान हमेशा दोस्तों किस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। हम लोग लेंस का सूत्र जानते हैं क्या होता है, एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू। यहाँ जो वैल्यू दी है उसको रख देते हैं, यहाँ माइनस 15 रख देंगे, भी की वैल्यू दोस्तों माइनस 10 रख देंगे, और यू की वैल्यू कि जितना दिया है उतना पुट कर देंगे। अब बाकी सब अगला स्टेप जो है कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या है, इधर माइनस में तो इधर लेके आएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इधर कर लेते हैं, एक बटे माइनस 15, इधर माइनस है इधर लेके तो चले आते हैं, एक बटे 10 बराबर एक बटे यू, और यू की वैल्यू कितनी है माइनस में दी है ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 30, 15 दुना के 30 माइनस 2 प्लस 10 30 बराबर एक बटे माइनस यू ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे स्टेप चलेंगे, माइनस 2 है प्लस 3 है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बटे 30, वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू किसकी बढ़ी है प्लस 3 की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए पॉजिटिव में बराबर 1 बटे माइनस यू। अब देखिए त्रिक गुणा कर दीजिए, माइनस यू बराबर इधर आपका क्या 30, यानी यू की वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी गई है दोस्तों लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, और जो है कि कह रहा है कि किरण आरेख भी बनाइए। तो जब तक आप किरण आरेख नहीं बनाएंगे आपको 2 नंबर और नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर इस सॉल्व करने पे मिलेंगे और 2 नंबर जो है कि चित्र बनाने पे मिलेंगे। तो चलिए एक जो है कि हम लोग चित्र ड्रा कर देते हैं। तो कह रहा है लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, तो यहाँ पे अवतल लेंस हम लोग दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों बीचों बीच एक लाइन रहती है काल्पनिक, और यहाँ जो है कि हमारा प्रकाशिक केंद्र रहता है जिसे हम लोग ओ से लिखते हैं, और इधर जो है एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच रहती है जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, और इधर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं एक फोकस पॉइंट 2 और इधर फोकस पॉइंट 1, इधर वक्रता केंद्र 2 सॉरी वक्रता केंद्र 1 वक्रता केंद्र 1 इधर वक्रता केंद्र हम लोग मान लेते हैं 2, इसे हम लोग 2F2 या 2F1 भी लिखते हैं क्योंकि ये फोकस के दुगने दूरी पे रहता है ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर अर्थात 30 सेंटीमीटर पर और फोकस दूरी 15 है, तो जाहिर सी बात है अगर इतना दूर का 15 है तो इसका दुगना 30 कहाँ होगा, सी पे ही वस्तु होगी, कहाँ होगी वस्तु, वस्तु सी पे होगी। चलिए वस्तु को सी पे रख देते हैं,
वस्तु हम लोग सी पे रख दिए। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ जो है हम लोग सीधे एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गुजारते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अवतल जो लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी अपसारी लेंस होता है। यहाँ से किरणें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आगे बढ़ा करके दोस्तों मुख्य फोकस से आती हुई क्या होगी, यहां से प्रतीत होगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। फिर किरण आरेख खींचने के लिए दोस्तों एक और किरण हमको गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए एक किरण जो है कि हम लोग कहां से गुजार देते हैं, इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें सीधे जो है कि निकल जाएंगी बिना विचलन के, और जहां पे दोनों किरणें आपस में काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोस्तों यहां पे बनेगा, और जाहिर सी बात है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और यहां से फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और वस्तु दोस्तों कितना प्रतिबिंब बना है, 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों ये इमेज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर जो है वीडियो को पीछे करिए और दोबारा देखिए, पूरा जो है कि टोटल आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार फिर से इसको जरूर समझ लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूँ, जितने मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और यही एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जितने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं दोस्तों वहीं से प्रश्न जो है कि बनते हैं। या ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ आप उदाहरण में दिए गए बुक में जितने उदाहरण है उसको पढ़ो, क्योंकि वहीं प्रश्न बनते हैं। और हमने भी जब दोस्तों अपना हाई स्कूल दिया था तो उस हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उसको पढ़ते थे, और जो उदाहरण दिया है उसको पढ़ते थे, और वही प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो जब आपका एग्जाम होगा उस समय आप उठा करके देख लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, और आज का चौथा प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। ये दृष्टि से संबंधित है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य की किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक पढ़ सकता है, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी तक पढ़ सकता है, स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे दोस्तों दिया है कितना, चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी भी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों स्पष्ट देख पा रहा है चश्मा लगा करके, अर्थात वो क्या उसका इमेज बन रहा है कितने पे, 25 सेंटीमीटर दूर पे। माइनस हम लोग क्यों ले रहा है, क्योंकि ये दोस्तों इसमें इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे यहाँ निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तु पड़ रहा है, यानी कौन सा लेंस लगेगा इसमें, अवतल लेंस, इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस से बनी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है। अब देखिए फिर कह रहा है स्पष्ट देख रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर कितना, -50 सेंटीमीटर। अब U का वैल्यू कितना है दोस्तों, यही आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/F = 1/V - 1/U लेंस के सूत्र से, ठीक है। अब यहाँ F की वैल्यू क्या रखेंगे, -50 = V की वैल्यू कितनी है, -25, और -U की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, इधर देखेंगे इसको, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/-50 + 1/25 = -U। अब देखेंगे दोस्तों 50 और 25 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 50 ही होगा, 50 × 50 - 2 + 25 = 50, ठीक है। यहां तक समझ में आया, क्योंकि 25 × 50 2 × 2 और 50 × 50 1 और माइनस है तो माइनस हमने यहां पे लगा दिया। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1/U। अब देखेंगे यहाँ पे +2 है - 1 है, तो बड़ी वैल्यू 2 है, यानी प्लस का निशान आएगा और 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 घटाने पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आएगा और बटे में 50 = -1/U। अगर U की वैल्यू यहाँ कितना आ गया, त्रिक गुणा करेंगे, ये -50 सेंटीमीटर। तो वस्तु कितने दूरी पर रखी जाएगी दोस्तों, U = -50 सेंटीमीटर। अधिकतम वस्तु 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें साफ साफ दिखाई देगा और वह पुस्तक को आसानी से पढ़ लेगा, ठीक है।
तो ये रहा दोस्तों आपका 23 नंबर का प्रश्न। अब आगे चलते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर का, करा 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाओ तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यानी जितने प्रतिरोध हैं सब में कितनी धारा बहेगी यह बताना है, और सबके सिरों पे कितना, दोनों सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी है सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर खुद निकल के आ जाएगा। आर वन बराबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कितना है, 2 ओम, और आर टू बराबर कितना दिया है, 3 ओम, ठीक है। उसके बाद आर थ्री बराबर कितना दिया है, 5 ओम, और कह रहा है कि इनको जोड़ा कैसे है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उनके संयोजनों के सिरों पर विभवांतर जो है यानी वी बराबर कितना है, 30 वोल्ट, विभवांतर भी दोस्तों यहां पे दे दिया गया। तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में यानी जितने प्रतिरोध हैं इसमें कितना आएगा, यानी इसमें V1, V2, V3 निकालना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को यानी V दे दिया है, R दे दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका क्या तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, फिर उसके बाद इसमें हम लोग टोटल आई निकालेंगे यानी टोटल जो धारा है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद वी बराबर आई इंटू आर करके या आर वन आर टू आर थ्री करके वहां पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, कैपिटल आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना, आर वन बराबर दिया 2, आर टू की वैल्यू 3 और आर थ्री की वैल्यू 5, यानी R बराबर यानी टोटल प्रतिरोध 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 ओम। यहाँ पे टोटल प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों, 10 ओम का। अब इस परिपथ में पूरा प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम का, और इसमें हम लोग देख रहे हैं विभवांतर भी कितने का, 30 वोल्ट का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग धारा निकालेंगे, धारा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं वी बराबर होता है आई इंटू आर ओम के नियम से। तो वी की वैल्यू कितनी है, 30, और I की वैल्यू पूछ रहा है, R की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला, 10। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो I बराबर 30/10 यानी I बराबर 10 × 30 यानी 3 एम्पियर, यहाँ I की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। अब यही धारा जो है कि दोस्तों सभी प्रतिरोधों में बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है तो श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा क्या होती है, समान होती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग विभवांतर सभी में अलग अलग होगा, जब धारा समान होगी तो विभवांतर अलग अलग होगा, अर्थात R1 में विभवांतर निकालने के लिए हम लोग V1 मान लेते हैं, V1 बराबर I1 इंटू R1, ठीक है। तो इस वाले पे हम लोग फार्मूले पे रख देते हैं, तो V1 की वैल्यू निकालना है, I1 हमारा दोस्तों सॉरी I यहाँ पे समान है तो I को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I, क्योंकि इसके बराबर हम लोग केवल I लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, तो यहाँ लिख देते हैं 3। R1 की वैल्यू कितना है दोस्तों, 2, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2, अर्थात V1 में कितना आ गया, 3 × 6 वोल्ट, यानी इस वाले प्रतिरोध में 6 वोल्ट का विभवांतर होगा। अब विभवांतर 2 में देखते हैं, ठीक है। अब दूसरे में विभवांतर देखते हैं, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 बराबर IR2, तो V2 की वैल्यू कितनी है निकालनी है, I की वैल्यू दोस्तों 3 और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी V2 की वैल्यू 3 × 9 वोल्ट, यानी दूसरे में कितना विभवांतर होगा दोस्तों, 9 वोल्ट का। अब V3 में निकालते हैं, V3 बराबर IR3, तो V3 बराबर I का मान 3 और R की वैल्यू कितनी है इसमें, 5, कितना दिया दोस्तों, 5, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 5, अर्थात V3 यानी 5 × 15 वोल्ट, यानी अलग अलग प्रतिरोधों में दोस्तों आपको एक में 6 वोल्ट की विभवांतर मिलेगा, एक में 9 वोल्ट का, और एक में दोस्तों 15 वोल्ट का विभवांतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अलग अलग विभवांतर ही ज्ञात करना था, और टोटल संपूर्ण धारा पूछेगी तो हम लोग 3 एम्पियर बता देंगे, और टोटल प्रतिरोध कहेगा तो हम लोग वहां पे 10 ओम का निकाल दिए। बाकी सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और ये दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न रहा, और इसी तरह के प्रश्न जो है कि आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न पे, और 25 नंबर में देखते हैं आपसे क्या पूछा जाता है। और ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आया हो आपको तो आप क्या करिए, एक बार जो है कि इसको पीछे से पीछे करके रिवीजन कर लीजिए, और इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस आपको देखना है क्या कह रहा है और क्या निकालना है। और जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा कि किस फार्मूले को कब यूज करना है, तो आप जो है कि कतई आपको ही सवाल नहीं लगा सकते हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ओम के नियम वाला फार्मूला याद होना चाहिए, और उष्मास का फार्मूला याद होना चाहिए, विभवांतर का फार्मूला याद होना चाहिए, फिर उसके बाद यूनिट जब निकाली जाती है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, यानी विद्युत के जितने सारे फार्मूले हैं वो सब लगभग सब आप याद कर जाओ, तभी जो है कि आप इस तरह के प्रश्नों को डील कर पाएंगे, अन्यथा डील नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में आपका 4 नंबर का प्रश्न एग्जाम में छूट जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों ये 25 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए, जबकि वस्तु अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो और वस्तु लेंस से 2f दूरी पर स्थित हो। यानी दो स्थिति दोस्तों आपको बनाना है, और ये दो स्थितियां आपको याद होनी चाहिए कि कैसे जो है कि लेंस में और कैसे दर्पण में बनाया जाता है। अगर दर्पण में आप याद कर लेते हैं तो इन 6 स्थितियों को आप इसमें भी आसानी से दर्शा सकते हैं। तो चलिए इसमें जो है कि हम लोग सबसे पहली स्थिति को यहाँ पे देखते हैं कैसे बनाना। ये किरण संबंधित नियम आपको 6 जो है कि इसमें लेंस में बनते हैं, उत्तल लेंस में, और दर्पण में 6 स्थितियां बनती हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच स्थित हो, अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो। देखिए जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबसे पहले एक जो है कि हम लोग ड्रा कर लेते हैं उत्तल लेंस, यहां बीचों बीच होता है प्रकाशिक केंद्र, और एक जो रेखा हम लोग यहां पे खींचते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाता है आपका मुख्य अक्ष। इस पे दोस्तों हम लोग एक दूरी मानते हैं, यहां पे हम लोग मान लेते हैं फोकस दूरी है, फोकस ये मुख्य फोकस है, और यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, और इतने ही दूरी पे हम लोग एक वस्तु और मान लेते हैं, एक स्थान, और ये स्थान हम लोग क्या मान लेते हैं 2f मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2f। इधर की दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस में f1 f2 मानते हैं, तो इधर f1 हो जाएगा, और उतने ही दूरी पे इधर भी दोस्तों एक फोकस पॉइंट होता है जिसे हम लोग f2 कहते हैं, और इधर जो है कि उतने ही दूरी पे एक और पॉइंट होता है 2f2 कहते हैं, या उसे c2 भी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग को वस्तु रखना कहाँ है, सबसे बड़ी बात यह है, और कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है अनंत और 2f के बीच में। तो अनंत दोस्तों हम लोग कहाँ कहते हैं, जब वस्तु बहुत दूर स्थित होती है तो उसको अनंत बोलते हैं, और जब उसको थोड़ा सा और नजदीक लिया देते हैं वक्रता केंद्र के तो उसे कहते हैं 2f और अनंत के बीच में। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग वस्तु को क्या कर देना है, रखते रहें, तो चलिए यहाँ पे 2f पे वस्तु को हमने रख दिया। अब दोस्तों एक मुख अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आएगी इसके सापेक्ष, ठीक है, और यहाँ जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें टकरा करके कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है, ठीक है। एक किरण दोस्तों हम लोग कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से गुजार देंगे, चाहे यहाँ से भी गुजार सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो चलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है कि F1 से गुजारूं, तो यहाँ फोकस यानी फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो जब यह समांतर होगी दोस्तों और जब दो आपस में किरणें काटती हैं तो वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बन गया। तो इसके प्रतिबिंब की व्याख्या भी करना है, तो यहाँ पे व्याख्या में दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब वस्तु को 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के मध्य बनता है, और वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, इधर देखेंगे f2 और 2f2 के बीच में, और कभी भी दोस्तों जब वक्रता केंद्र से परे जितनी वस्तुएं रहती हैं उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे नाप करके हमने नहीं बनाया, अगर आप दोस्तों नाप करके बनाएंगे बराबर दूरी पे बनाएंगे तो वस्तु हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ये वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब ये पूरा लिखेंगे, अनंत और 2f के बीच में वस्तु स्थित हो तो पूरा लिख देते हैं,
जब वस्तु अनंत अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 एवं 2f2 या कह देंगे लेंस के दूसरी साइड f2 एवं 2f2 के मध्य वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए दोस्तों, जितना टाइम देंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे जल्दी जल्दी भाग करके फॉरवर्ड करके देखना तो आपको टोटल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है कि आप किरण आरेख बना करके और इस तरह लिखते हैं तो आपको टोटल नंबर इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2+2 दिया, यानी स्टेप वाइज स्टेप आपके नंबर मिलने हैं। तो इस तरह जो है कि आप इसमें लिखेंगे। और एक पार्ट इसका और बच गया दोस्तों, तो एक पार्ट और इसका इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा ही प्रतिबिंब बना करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट में कह रहा है कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो, तब जो है कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए एक और जो है कि फिगर बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा ही बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र और ये जो है कि दोस्तों मुख्य अक्ष, ये हम लोग फोकस पॉइंट मान लेते हैं। छोटा सा ही चित्र बना देते हैं। यहाँ जो है कि हम लोग 2f1 मान लेते हैं, इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं, और इधर जो हमारा c2 हो जाएगा, या इसे हम लोग 2f2 भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो इस तरह जो है कि लेंस में टर्म जो है कि आपको लिखना आना चाहिए और लेंस से संबंधित परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों ये कह रहा है आपको कि वस्तु कहाँ रखी गई है, 2f1 पे, यानी 2f पे रखी गई है। तो हम लोग इधर ही रखते हैं वस्तु को, हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। तो चलिए वस्तु को हम लोग यहीं पे एकदम रख देते हैं। चलिए हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया। अब इसके टॉप से एक जो है कि किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और यह किरण कहाँ से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। अब एक किरण दोस्तों हम लोग इसके फोकस से या प्रकाशिक केंद्र से भी गुजार सकते हैं। तो जो आपको किरण लगे, आप अगर चाहेंगे प्रकाशिक केंद्र से गुजारना तो प्रकाशिक केंद्र से भी गुजार सकते हैं या f1 से भी गुजार सकते हैं। तो इसमें जैसे दोस्तों हमने f1 से गुजारा, तो इसमें भी चलिए f1 से ही गुजार देते हैं। तो चलिए मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे किरणें काटती हैं वहीं पे हम लोग मुख्य अक्ष से एक जो है कि रेखा खींच देते हैं, और जब रेखा खींचेंगे तो देखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है दो किरणें यहीं पे एकदम काटेंगी, यानी f2 2f2 पे ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और जब इसको देखेंगे दोस्तों तो जितना वस्तु इतना बड़ा इधर है उतना ही बड़ा इधर भी बनेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने हाथ से ड्रा किया इसलिए जो है कि थोड़ा सा छोटा बड़ा बन सकता है, अन्यथा जब 2f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 लेंस के दूसरी साइड बनेगा और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे, इसमें लिखना है, इसमें भी लिखेंगे, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। जब वस्तु हमको कहाँ रखना है, 2f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और ये दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है।
तो इस तरह का जो है कि आप बनाना आपको आना चाहिए। अगर बनाना नहीं आता है दोस्तों तो आप बहुविकल्पी में भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। नहीं अगर विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर के जितने सारे प्रश्न है उसमें बहुविकल्पी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या दो दो नंबर करके या एक एक नंबर करके आपके किरण आरेख में भी प्रश्न आते हैं। तो किरण आरेख संबंधित नियम सारे आप पढ़ लीजिए और उसको भी जाकर के आप क्या करिए, जैसे प्रश्न पूछता है वैसे जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। और 25 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे और इसमें देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 मीटर का क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है। फिर कह रहा है कि कोई वस्तु है या चाहे कोई गाड़ी है तो वह 6 मीटर की दूरी पर है और वह दर्पण के लिए वह गाड़ी किसका काम करेगी, वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, और वो वक्रता त्रिज्या दिया है। तो चलिए इसमें हम लोग हल कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से लिखते हैं और R की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, R बाई 2, यानी F की वैल्यू 6/2, यानी F की वैल्यू कितना, 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 सेंटीमीटर, और R बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख रहे हैं जब कोई वाहन, मान लीजिए मेरा शीशा यहाँ है, कोई वाहन वहां खड़ा है तो वो वाहन हमारे शीशे के लिए क्या कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात 6 मीटर दूरी, यानी u का मान कितना हो गया, -6 मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ 6 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, मीटर में, तो यहाँ पे हम लोग मीटर में लिखेंगे क्योंकि दोस्तों गाड़ी दूर है तो मीटर में हो सकती है, तो सारे वैल्यू मीटर में है तो हम लोग मीटर में ही सॉल्व करेंगे। और चलिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, प्रतिबिंब निकालना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की भी गणना करनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हम लोग 3 मीटर, और यहाँ पे दोस्तों देखिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे ही। ठीक है, तो +3 = 1/v निकालना है, प्लस यू की वैल्यू कितनी है, -6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 = 1/v, ये माइनस प्लस क्या, -1/6। अब इधर लेके आ जाते हैं तो 1/3 = ये दोस्तों इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, +1/6 = 1/v। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 × 6 + 6 = 6 = 1/v। तो यहाँ पे दोस्तों क्या, 3/6 = 1/v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3v, यहाँ गुणा हो जाएगा बराबर 6, तो v की वैल्यू ये 6/3, यानी v की वैल्यू दोस्तों 3 × 6 = 2 मीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर, अर्थात v का मान दोस्तों 2 मीटर, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, 2 मीटर दूरी पर बनेगा, और 2 मीटर दूरी पर बनेगा अर्थात दोस्तों उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, वस्तु कितना है, 6 मीटर है, और प्रतिबिंब कितना है, 2 मीटर पर बना है, और प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के उस साइड बनता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में आया हुआ है। तो अब लिखेंगे क्या, स्थिति व आकार की गणना कीजिए। तो आकार तो हमारा कितना हो गया, 2 मीटर। अगर स्थिति पूछ रहा है तो स्थिति हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण के अंदर बनेगा 2 मीटर दूरी पर, आभासी बनेगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे आभासी सीधा वस्तु से। तो यही रहा दोस्तों आपका क्या, 26 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न को यहां पे हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे, करा किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को संसाधित या संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। देखिए इसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेगा दोस्तों, अवतल लेंस प्रयोग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर दूर बिंदु है,
और देखिए दूर बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जिस पे आंख जो है कि साफ साफ देख सके उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। यानी जितना दूर तक दिखाई दे उसे दूर बिंदु, और जितना नजदीक का दिखाई देता है उसे निकट बिंदु। तो जो मनुष्य की आंखें हैं उसका निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है अनंत। तो दूर बिंदु कह रहा है 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर दूर तक देखने के लिए उसको कितना सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस चाहिए, 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस भी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे एफ बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, लेंस की आवश्यकता होगी। यानी उसको साफ साफ देखने के लिए जितना दूर बिंदु रहेगा उतना फोकस दूरी का इसको लेंस भी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया, और आवश्यकता किसकी होगी, अवतल लेंस की होगी, और लेंस की प्रकृति बताइए। तो लेंस की प्रकृति हमें बता दिए, अगर पूछा जाए बस अभी सारी चाहिए अपसारी इस तरह भी लिख सकते हैं। क्षमता क्या होगी ये पूछ रहा है, यानी पावर ज्ञात करना, यानी पी बराबर ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों P बराबर होता है 1/f मीटर में। अगर मीटर में दिया रहता है तो P बराबर 1/f लिखते हैं। तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर वाले को भी हम लोग क्या 100 कर लेते हैं, अब बटा में यहाँ क्या लिख देते हैं 80 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए तो P बराबर वैल्यू आपको क्या 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया 5/4, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, P की वैल्यू अगर इसको कटाते हैं तो 4 × 4 बचा कितना, यहाँ पे कितना बचा 1.0 बचाए 4 × 8, फिर बचेगा 2, 4 × 5 = 20, यानी 1.25 डायोप्टर। अब दोस्तों यहाँ पे लेंस कौन सा है, यहाँ पे लेंस है आपका कौन सा अवतल लेंस। तो यहाँ पे इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, अर्थात इसकी क्षमता -1.25 डायोप्टर होगी। ठीक है, कौन सा प्रश्न था ये आपका, ये आपका प्रश्न था 27 नंबर, और 27 नंबर का आपके बीच आंसर कितना हुआ -1.25 डायोप्टर, और लेंस कौन सा होगा अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों इसी तरह जो है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, और ये 28 नंबर बहुत बार जो है कि एग्जाम में आया हुआ है। एक बार तो एग्जाम में दोस्तों बस क्या किया है, इसी इसको क्या कर दिया 60 को इधर कर दिया है इसके साथ, और 100 को इसके साथ कर दिया, और अगले साल दे दिया। तो इस तरह के प्रश्न जो है कि इधर उधर फेर बदल करके आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से, इस प्रश्न को तो और भी ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा इसमें क क्या रहा है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न उठा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल पूछा है, हो सके तो इसमें दोस्तों और भी बढ़ा करके पूछ सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं, दोनों विद्युत बल्ब में प्रवाहित होने वाले विद्युत धाराओं का गणना कीजिए। सॉरी, देखिए कह रहा है दोस्तों कि इसमें दो बल्ब है जिनकी क्षमता दिया गया है अलग अलग, यानी एक की क्षमता P1 कितना 60 वाट है, और एक की क्षमता क्या है P2, और वह कितना है 100 वाट का। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें कह रहा है कि विभवांतर इसमें कितना है, इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा गया, यानी V बराबर कितना है 220। अब यहां पे देखेंगे कह रहा है कि विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं, दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी धारा पूछ रहा है दोस्तों, और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहां से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले तो हम लोग को R निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध निकालेंगे तो उसमें बहने वाली धारा हमको आसानी से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू निकाल लेते हैं, और R की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे P वैल्यू दिया है, क्या दिया है देखिए, P और V स्क्वायर अपान R, हम लोग जानते हैं अगर शक्ति दिया हो और R निकालना हो तो एक फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपान R। तो यहाँ पे अगर हम लोग P1 निकालते हो तो P1 कर देते हैं, यहाँ पे दोस्तों V1 अगर निकाल, यहाँ V सबके लिए समान होता है तो यहाँ पे R1 कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है कि सबसे पहले P1 निकाल लेते हैं, P1 से हम लोग यहाँ पे R1 निकाल लेते हैं, तो P1 की वैल्यू 60 है तो यहाँ पे हम लोग 60 रख देंगे, और V2 का वैल्यू कितना दिया है 220, तो 220 का वर्ग कर देंगे और R1 यहाँ से निकाल लेंगे।
तो आर वन की वैल्यू जब यहाँ से आप निकालेंगे तो आर वन बराबर 220 गुड़े 220 बटे में 60, जीरो से जीरो एक बार कटा देंगे तो यहाँ आर वन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आर वन की वैल्यू आ गई 220, आर वन बराबर 220 गुड़े 22 बटे कितना 6। यहाँ पे अगर कटा दें तो आर वन बराबर कितना हो जाएगा, दो तिहाई 6 11 दुना के 22, ठीक है। तो यहाँ पे अब नहीं कटेगा तो 220 गुड़े 11 बटे 3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आर वन बराबर आपका 806.7 ओम लगभग करके आएगा, ठीक है। कितना आएगी वैल्यू आपका 806.7, तो इतना अगर इसको आप 807 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो, चाहे अगर 806.7 ही मान के सॉल्व करते हैं तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू कितना निकल के आ गई 806.7। अब हमको पता करना है दोस्तों आर टू की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग आर टू की वैल्यू के लिए लिखेंगे वी टू बराबर सॉरी पी टू यानी पावर टू बराबर वी, वी सब में समान रहेगा तो वी स्क्वायर, क्योंकि 220 वोल्ट से जोड़ा गया तो वी स्क्वायर अपान आर टू, ठीक है। तो यहाँ पे पी टू की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 रख देंगे, वी टू का वी की वैल्यू 220 गुड़े 220 बटे आर टू की वैल्यू दोस्तों हम लोग को याद करना, तो आर टू इक्वल टू हो जाएगा 220 गुड़े 220 बटे 100, ठीक है। ये कोई बताने की बात नहीं है, आप लोगों को पता है जब वी स्क्वायर दिया तो वी का हम लोग दो बार गुणा कर देंगे और वी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 220 गुणे 220, अब देखिए जो कटता है कटा देते हैं 1010 1010, तो यहाँ पे आर टू की जो वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों 22484 ओम, तो आर टू की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो 484 ओम और आर वन की वैल्यू 806.7 ओम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, यहाँ बल्ब किस में है श्रेणी क्रम में, तो इनको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो R1 की वैल्यू 806.7 प्लस 484, तो यहाँ R की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वो कितनी आ जाएगी, जोड़ लो इसमें 0.7 6 4 10 को 0 8 8 1 9 8 4 12 1 13 1390.7 ओम टोटल प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों 1390 अर्थात 1391 के करीब में आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे टोटल आर निकल के आ गया, इस प्रतिरोध का टोटल कितना होगा, आर बराबर हम लोग देख लेते हैं 1390.7 ओम, ठीक है, ये टोटल आर की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, समान होती है, यानी जितने प्रतिरोध हैं उसमें समान क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग आर निकल गया दोस्तों और यहाँ पे वी भी दे दिया है, तो वी बराबर 220 दे दिया, आर बराबर भी दे दिया है, तो अगर हम लोग संपूर्ण धारा निकालें तो संपूर्ण धारा क्या होगी, संपूर्ण धारा परिपथ में संपूर्ण धारा, तो हम लोग जानते हैं वी बराबर होता है I इंटू आर, तो यहाँ पे I बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो V अपान क्या हो जाएगा R, तो I की वैल्यू V का वैल्यू कितना है 220 और R की वैल्यू टोटल कितना निकला है 1300 लगभग 91 के करीब में, तो यहाँ पे I का जो वैल्यू है दोस्तों, तो अगर दोस्तों इसे आप कटाते हैं तो 0.17 एम्पियर आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सो जितने सारे प्रतिरोध हैं चाहे जितने सारे बल्ब हैं उसमें कितने की धारा बहेगी, 0.17 एम्पियर की विद्युत धारा दोस्तों प्रवाहित होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो है कि आपको प्रश्न अगर पूछ रहा है तो आप अलग अलग सबके प्रतिरोध भी बता सकते हैं और टोटल प्रतिरोध जो हुआ है जितना वो भी बता सकते हैं, बाकी सब इसमें संपूर्ण जो धारा बहेगी वो 0.17 बहेगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अलग अलग भी इसमें धारा आप निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, भी का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आर वन की वैल्यू रखेंगे तब भी दोस्तों आपका उतना ही यहाँ पे निकल के आएगा। किसी तरह अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल जो धारा है उसमें 0.17 एम्पियर की ही आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है कि सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, और अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं 29 नंबर के प्रश्न को, ठीक है, और 29 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए एक बिंदु यहाँ ए है, एक बिंदु यहाँ सी है, तो सबसे पहले इस तरह के परिपथ में हम लोग दोस्तों देखते हैं कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में,
तो यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 ओम और ये 3.5 ओम का प्रतिरोध एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और यहां इसको हम लोग देखते हैं तो 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम ये भी प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, सभी तीनों के जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग क्या करें कि एक बार इस वाले को अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो यहाँ जो होगा एक श्रेणी क्रम में प्राप्त हो जाएगा, बाकी सब सभी को जोड़ देंगे तो 2 स्टेप में ही हम लोग का प्रश्न जो है कि सॉल्व हो जाएगा। या आप चाहें तो सबसे पहले इनको जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लीजिए, फिर इनको जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको लगे वैसे सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, चाहे इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। माना 2 ओम, माना नहीं लिखेंगे, परिपथ में, परिपथ, परिपथ में 2 ओम एवं 3.5 ओम के प्रतिरोध, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध यहां से यहां की जो वैल्यू है दोस्तों हम लोग R1 मान लेते हैं, यहां की वैल्यू R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए R1 बराबर हम लोग निकाल देते हैं 2 ओम प्लस 3.5 ओम, तो R1 की वैल्यू कितना होगा, 3 × 2 = 5, 5.5 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू कितना आ गई, 5.5 ओम, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 5.5 ओम का आ गया, और यहाँ पे वैल्यू ए है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों तो 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध किसमें लगे हैं, समांतर क्रम में है। तो अब दूसरा इसको यहां से हम लोग मान लेते हैं, यहां से यहां तक की वैल्यू हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कहेंगे परिपथ में 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध, के प्रतिरोध, देखिए अगर इसको सॉल्व करना होगा तो ये मुंहजबानी भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको किताब में चाहिए कॉपी में आपको कैसे लिखना है ये यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ R2 माने हैं तो 1/R2 बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/R लिखते हैं, तो 1/2 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/6, तो यहाँ पे दोस्तों लसा लेंगे तो 6 ओम लसा हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 6 लसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हटा देते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि ओम को हटा देते हैं, तो 2, 6, 6 लसा हो जाएगा, 2 × 3 = 6 प्लस 6 × 6 + 6 = 6, यानी 1/R2 बराबर दोस्तों 3 × 4 = 5, 5/6, यानी R2 की वैल्यू कितना, 6/5। तो R2 की वैल्यू बस सिंगल निकालेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी निकल के आपको करेंगे तो 1.2 ओम जो है कि यहाँ पे R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है कि दोस्तों यहाँ पे R2 की वैल्यू, यानी इसको जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक और हम लोग ड्रा कर देते हैं, इसके लिए जब ड्रा करेंगे तो यहाँ कितना वैल्यू निकल के आएगा, 1.2 ओम। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए और सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ए और सी के बीच में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ए तथा सी के मध्य प्रतिरोध, अब देखेंगे ये दोस्तों तो ये दोनों एक साथ में प्लस माइनस, माइनस का प्लस के साथ, प्लस का माइनस के साथ, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि मध्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अर्थात इसका तुल्य प्रतिरोध बराबर, तुल्य प्रतिरोध को अगर हम लोग R मान लेते हैं तो R बराबर ये R1 प्लस R2, क्योंकि इसको हम लोग R1 माने थे और इसको हम लोग R2 माने थे। यहाँ पे जब दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 5.5 और 1.2 दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो यहाँ पे R1 और R2 जब माने थे तो 5.5 प्लस 1.2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 6.7 ओम प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों क्या जुड़े थे, श्रेणी क्रम में, तो इनको हमने सॉल्व करके एक बना लिया, इन सभी को समांतर क्रम में सॉल्व करके हमने 1.2 ओम बना लिया, उसके बाद ए और सी के बीच में हमने क्या निकाल दिया, तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध का मान 6.7 ओम आएगा। तो आप एक देख सकते हैं ये कैसे लगा, और बहुत ही आसान तरीके से इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप इस तरह के लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
और चलिए इस आज का जो है कि हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज दोस्तों 31 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आज जो है कि ये 30वां प्रश्न है। 30 प्रश्न को देखते हैं। आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितनी विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, यानी शक्ति को पूछ रहा है। उत्तर को किलोवाट में बताना है, यहाँ ध्यान देख दीजिएगा, हम लोग को किलोवाट में बताना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया उसको लिख लेते हैं। विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट लिखा है, यानी भी बराबर हम लोग कितना 250 वोल्ट और 20 एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं धारा को दोस्तों एम्पियर से लिखते हैं, यानी ये किसका मान हो गया, आई का मान हो गया। तो आप इस मीटर पर अपने घर में कितनी विद्युत धारा संचालित कर सकते हैं, यानी पावर पूछ रहा है, भार पूछ रहा है, यानी पावर यानी शक्ति पूछ रहा है। तो P बराबर होता है दोस्तों V इंटू I, चाहे V I। तो यहाँ पे हम लोग पावर निकालेंगे, तो P बराबर V की वैल्यू 250 दिया है और I की वैल्यू कितना दिया है 20 एम्पियर। तो जब P की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 25 गुना के कितना 50, कितना 50 और 20 कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, ये वैल्यू हो गई दोस्तों 5000। ये वैल्यू जो निकलेगी दोस्तों वाट में निकलेगी, कितना वाट में। और जब किलो वाट में पूछ रहा है दोस्तों, तो एक किलो वाट में दोस्तों हजार हजार होता है। अब हजार में इसमें हम लोग भाग दे देंगे तो यह किलो वाट में निकल जाएगा, अर्थात किलो वाट में निकालना है। किलो वाट में निकालने पर शक्ति को किलो वाट निकालने पर, तो हम लोग जानते हैं P बराबर 5000 बटे 1000 भाग दे दो कट जाएगा सभी, कितना P बराबर कितना बचा 5 किलोवाट। तो P की वैल्यू जो है दोस्तों 5 किलोवाट आएगी और यह किलोवाट में होगी। यह शक्ति कितने घर में खर्च करेगी 5 किलोवाट की। तो इस तरह जो है कि आप गणना कर सकते हैं और यह प्रश्न बहुत ही आसान था। और इस तरह का प्रश्न जो है कि 2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न बहुत ही ये भी अच्छा प्रश्न है और ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो इसको भी लगा लेते हैं। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि एक यूनिट की वैल्यू कितना है 7, एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपया, तो टोटल यूनिट निकाल लीजिए, उसके बाद 7 से गुणा कर दीजिए, आपका खर्च भी निकल के आ जाएगा कितना यूनिट रुपये खर्च जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग दोस्तों हल कर लेते हैं। कह रहा प्रयुक्त 1.5 किलोवाट, यानी अभी हम लोग दोस्तों पी को किस में निकाले थे, 5 किलो निकाले थे ना वाट में, किलोवाट में। तो ये भी जो है कि 1.5 किलोवाट दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब हमारा फार्मूला होता है तो उसमें होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बटे आपका 1000। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले वाट में चेंज कर देते हैं। तो जैसे हमने किलो में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया था, तो वाट में चेंज करने के लिए इसमें 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पी की वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी ये आपका 15, एक अंक पे कितना 3 गो 0, एक अंक पे 10 लगा देंगे, यानी 1500 वाट। कितना पी का वैल्यू 1500 वाट, कितना वाट में पी की वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है कि दोस्तों प्रतिदिन यानी डे, दिन कितना सॉरी हावर्स यानी घंटा कितना है, घंटा कितना 10 घंटा चलाना है, कितना चलाना है 10 घंटे चलाना है, और कितने दिन तक चलाना है एक महीना यानी दिन कितना दे दिया 30 दिन, दिन का मान कितना आ गया 30, और पूछ रहा है यूनिट बताना है, तो यूनिट को हम लोग ज्ञात करना है यूनिट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यूनिट जब हम लोग खर्च निकालते हैं तो होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000, ये हमारा फार्मूला होता है। तो वाट की वैल्यू कितनी दी है 1500 वाट, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1500, और घंटा कितना चलाना है 10 घंटे चलाना है तो 10 घंटे लिख देंगे, और दिन कितना चलाना है 30 दिन तक चलाना है तो 30 दिन तक लिख देंगे, अब बटे में 1000। अब दोस्तों यहाँ पे कटा लो सभी वैल्यू को, 1, 2, 3 कट गया, इधर कितना बचा 150 गुणे 3, तो यहाँ दोस्तों 15 × 3 = 45 यानी 450 यूनिट। यूनिट की संख्या कितनी आ गई 450, कितना आ गया 450। अब 450 यूनिट आ गया दोस्तों,
तो हम लोग अभी कह रहा है कि एक यूनिट का मूल्य 7 रुपया है, तो 450 का बताओ, तो मूल्य ज्ञात करेंगे। 450 यूनिट का मूल्य, ठीक है, तो जब दिया एक यूनिट का, तो 450 × 7 यानी पूरा खर्च हो जाएगा 7 × 0 = 0, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 × 3 = 7 × 4 = 28, 7 × 0 = 0, 7 × 5 = 35 को 5, 7 में लगा 3, 7 × 4 = 28, 38, 3 = 31, यानी 3150 रुपये टोटल दोस्तों इस यूनिट के खर्च आपके निकल के आएंगे। कितना? 3150 रुपये। तो खर्च कितना निकल के आएगा? 3150 रुपये। और ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न था। अगर ये प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हमारे विद्या स्मार्ट कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के हाई स्कूल से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम तक, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के करवा दिए जाएंगे। अभी दोस्तों ये न्यूमेरिकल सीरीज है, एक दोस्तों हम लोग क्या थ्योरिकल सीरीज भी पुष्प की संरचना का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसको भी अगर देखना है तो जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या दोस्तों जब ये एंड स्क्रीन आएगा तो उस समय भी आप उसको जाकर के क्लिक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।